وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. किताब बरकत वाली है जिसे हमने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है ताकि दानश मंद लोग इसकी आयतों में गौर विक्र करें और नसीहत हासिल करेंदमद वरहमत लबरक्रम सूर आल इमरान आयत नंबर छब्बीस सत्ताईस हिस्सा अव्वल आज का मौजू क्या हमने अल्लाह ताला से अपना रुख फेल लिया है इसके साथ आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्त सबक का इदा होगा पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूत से بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ये इसलिए कि ये इस बात के कायल हैं कि दोजक की आग हमें चंद्रोज के सिवा छू ही नहीं सकेगी और जो कुछ ये दीन के बारे में बहुतान बांधते रहे हैं उसने इनको धोखे में डाल रखा है तो उस वक्त क्या हाल होगा जब हम उनको जमा करेंगे यानी उस रोज जिसके आने में कुछ भी शक नहीं और हर नफस अपने अमाल का पूरा पूरा बदला पाएगा और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा तो सूरे आयत नंबर छब्बीस क़ुल्ला आप कहें ए अल्लाह मालिकल मुल्क जो मालिक है तमाम बादशाही का तो तिल मुल्क का मंतशाओ जिसे चाहे बादशाही दे व तनज़ुलमल्क मनतशाओ मन और छीन ले जिससे तू चाहे व तो इज़्ज़ मनतशाओ और इज्जत दे जिसे चाहे व तज़लुमन तशा और जलील कर दे जिसे तू चाहे कल खैर तमाम भलाई तेरे हाथ में है इन न कालाकल क़दीर बेशक तू हर चीज़ पर कादिर है तू तो लिजुल्लफ़ नहार दाखिल करता है तू रात को दिन में व तजुल नहारफिल और दाखिल करता है तो दिन को रात में व तुरे जिलह मिनलमय थे और तो बेजान से जानदार निकालता है व तुरे जिल्म मिनलहई और जानदार से बेजान निकालता है बर्जुक मन तशा बग़ैर हिसाब और तो रिस्क देता है जिसे चाहे बे बिना किसी हिसाब के सामने क्रम गुज़त सबक जो था उसमें अल्लाह ताला ने हमें यही कहा था कि बाज़ लोग ऐसे हैं जिनको उनके ख़ुदसाख्त दीन ने धोखे में डाल दिया है लेकिन जब यही लोग कयामत के दिन आएंगे तो उनके जो ख़ुदसाख्त दीन है वो धरे का धरा रह जाएगा और हकीक़त खुल के सामने आ जाएगी और हर नफ्स को वो बदला मिलेगा जो उसने कमाया ये बहुत बड़ा इसमें सबक है सामने इक्राम और मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि हम में से हर शख्स या तो नेकी कमा रहा है और अगर नेकी नहीं है तो वो फिर बुराइयाँ हैं हमारे अंदर ना नेकी करने का जज्बा तो नहीं है सच्ची बात यह है कि क्योंकि हमारे हर काम में नफसानियत है क्योंकि हमारी एक धोखा हमें बुनियादी तौर पे लग गया है ज़ाहिर का जो जिसको दुनिया का धोखा कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने हमें रोका है फ़ला तगुर्रन नकुमुल हया दुनिया दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें धोखे में ना डाल दे लेकिन हुआ यह है कि दुनिया की ज़िंदगी ने हमें धोखे में डाल दिया है और ये दुनिया ने नहीं डाला हमने ख़ुद अपने आप को धोखे में डाल दिया देखें एक चीज़ मिसाल के तौर पे एक चीज़ है उसकी हकीक़त को जाने बग़ैर आप उस पर यकीन कर लें या उसके बारे में एक गलत अंदाज़ा लगा लें तो वो तो आपका अंदाज़ा होगा दुनिया की हकीकत हमारे सामने है लेकिन इस पर एक जाहिर का जो रंग चढ़ा हुआ है तो इससे धोखे में तो नहीं आना चाहिए जाहिर का मरगूबात ख्वाहिशात नफ्स की मोहब्बत हमें मरगूब लगती हैं लेकिन अल्लाह ताला ने अगर हमें अक्ल ना दी होती तो फिर तो कोई वजह थी कि हम इसके धोखे में आ जाते लेकिन अकल तो अल्लाह ताला ने दी है मुझे आप बताएं कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि किसी ने यानी आपके सामने यानी दो रुपए की एक आ, नोटों की गड्डी फ्रेश आ, आपको दी हो और आपने उसको पाँच हज़ार का एक नोट थमा दिया है और वो आपको कहे कि देखो ये तो बड़ी ज़्यादा है और फ्रेश नोट है हुआ है कभी आपके साथ आपने कभी दो रुपये यानी दो हज़ार के बदले किसी को पाँच हज़ार रुपये थमाए हैं तो दुनिया के बारे में तो आप धोखे में नहीं आते कोई ज़रूरतमंद आपसे पैसे मांगता है या किसी कोई आदमी आपके सामने भूखा नंगा है आपके पास पैसे हैं तो आप कभी उसको पैसे नहीं देंगे उसकी ज़रूरत को आम तौर पे मैं एक रवैया बता रहा हूँ आपको कि इनफाक फी फीसबील का जज्बा आप में तो नहीं है कि मैं अल्लाह की राह में दूँ आप तो अपने नफ्स की खातिर खर्च करते हैं सारी ज़िंदगी हमारी जो है वो दिखावेगी है हमारे कामों में लिलात तो नहीं है असल बात यही है कि असल ताक़त जो है वो अल्लाह की है जिससे जिसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है असल मुक्तदर हस्ती वो अल्लाह की है दुनिया के ज़ाहरी झूठे बादशाहों के सामने तो आपने बड़े उनके बड़े कर वफ़र देखे होंगे उनके पीछे एक दुनिया दौड़ती है मेरे डीआईजी साहब से खूब अच्छे ताल्लुक़ हैं या आईजी जो है मेरा ख़ास दोस्त है यानी ये आप अपने ताल्लुक़ जताते रहते हैं और आप कोशिश करते हैं ताकतवर हस्तियों के साथ अपने ताल्लुक़ रखें ताकि बवक ज़रूरत वो काम आए आपके ये पार्टियों में लोग क्यों जाते हैं सियासी पार्टियों में कोई हमारे पेट में मुल्क की खिदमत का जज्बा तो नहीं है सियासी पार्टियां हैं जिसको आप देखें जब इलेक्शन आता है मुझे अच्छी तरह याद है बल्कि मेरा मुशायदा भी है कि नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत थी और इमरान ख़ान का तोती जो है वो बोल रहा था सर चढ़ के बोल रहा था यानी उसके आवाम भी आ रहे थे उसके जलसों में और ये क्योंकि उसने एक धोखे का नारा लगा दिया था कि हम तब्दीली लाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे और मतलब वो सब आप आपको मालूम है तो लोग आवाम जो है उसकी तरफ मुतव हो गए फिर जो ये मौसमी तोते थे तो वो सारे उसके घोंसले में आके बैठ गए पीपल्स पार्टी के जो यानी उम्मीदवार थे सब जो हैं तकरीबन मतलब तकरीबन वो आ गए नवाज़ शरीफ के जो भी उस वक्त साहेब मुख्तर थे वो आ गए और जनाब आपके मतलब मैं अब नाम नहीं ले रहा लेकिन आप देखें ये इतने उनके इर्द गिर्द तो है या यानी सारे वही लोग हैं जो पहले नवाज शरीफ साहब के साथ थे या जरदारी साहब के साथ थे या मुशर्रफ़ साहब के साथ थे वो सब जमा हो के वहाँ आ गए चढ़ते सूरज की पूजा ये लोग करते हैं आम आदत है और ये तो हमारे मुल्क की एक रिवायत है हॉर्स ट्रेडिंग एक वो है लेकिन मैं जो देखें मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है ना इन जो मख्तर हस्तियाँ हैं या नहीं हैं उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है न किसी सियासी पार्टी से मेरा ताल्लुक़ है और ना मैं रखना चाहता हूँ लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ उसको आप जरा समझें कि इंसान के पास अकल है ये अक्ल अगर आप इस्तेमाल करें तो आपको दुनिया की हकीकत का पता चल जाएगा कि असल ताकत किसके पास है जो आयत नंबर छब्बीस जिसका मैंने आपको तर्जुमा सुनाया मजमून दरअसल ये है जो अभी तक का हम मजमून आले इमरान का आ, पढ़ रहे हैं उसमें यही है कि अल्लाह ताला ही वाहद ज़ात है ला अल्ला इस सूरत का जो आगाज़ है वो भी ला लाला से हुआ है और फिर ला इल्लाह की तकरार आ रहा है <coughs> और इस सारे मजमून का यानी जो ख़ुलासा अगर हम निकालते हैं तो अल्लाह ताला हमें अपनी बंदगी की, की तरफ रागब कर रहा है कि तुम मेरे सच्चे बंदे बन जाओ मेरे सामने सर झुका दो गैर अल्लाह से अपना दिली ताल्लुक़ तोड़ लो ये सारा मजमून है आज की जो आयत है आयत नंबर छब्बीस और सताईस इन दो आयत में अगर आप गौर करें तो इसमें सारी अल्लाह ताला की ताकत जो है वो बयान कर दी गई है तो अब ये हमारी सोचने का मामला है देखिए इंसान की एक फ़ितरत है कि वो ताकतवर हस्ती और के तरफ रुजू करता है उसके सामने सर झुकाता है देखिए हमारे <coughs> आपको मालूम है हम जाहिर बीन लोग हैं जाहिर की तरफ आ, हमारा रुजू है लेकिन हमें हकीकत बीन होना चाहिए हम तो जाहिर बीन हैं लेकिन हकीकत को हमें वो करना चाहिए और हमारी आफ़ियत इसमें है कि जो असल ताकत है उसके सामने अपना सर झुका दें उसके सामने हम अपना सर झुका दें ये दाओ न अला किताबिल्लाए लिया को मबिन हम यह भी हमने आयत नंबर तेईस पढ़ी थी ना कि उतु ऊतू मिनल किताब युद्व अला किताबिल्ल को मबैन सरीक़मादूम ऐसे लोग मौजूद हैं जो यानी जिसको अगर अल्लाह ताली के हुक्म की तरफ बुलाया जाए तो वो मुँह मोड़ लेते हैं उस क्योंकि अल्लाह की ताक़त को वो सोचते नहीं हैं कि अल्लाह ताला कितनी ताकत का मालिक है <coughs> और यही ताकत की मैं बात कर रहा हूँ और ये जो दो आयत हमने पढ़ी हैं ये भी अल्लाह ताला की ताकत का आ, इजहार कर रही हैं सूरह बकरा में हमने मज़मून पढ़ा है कि वलो यरल नम इज़ऱाबलकूव जमिया वलौ यरल लजी न अगर ये ालम लोग काश देख लेते इस यौन जब अजाब को देख लेते तो उनको पता चल जाता पता चल जाएगा उस वक्त इस जब िमों को जब आजाब सामने देख लेंगे तो पता चल जाएगा अन जमिया व अनु शदीदुल्क वहाँ पर तो आपको यकीन आ जाएगा और दूसरे कि अल्लाह ही सारी ताकत का मालिक है जनाब आपको मैं मुखातिब हूँ कि आज भी अल्लाह ताला ही के पास सारी ताकत है सारी ताकत का मंबा एक जात है और वो अल्लाह है और अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ बुला रहा है अपनी बंदगी की तरफ़ बुला रहा है तो वो अल्लाह तोब तसूह सच्ची तोबा कर लो अल्लाह ताला के सामने। इले वस्तख फिर कमर बांध लो उसकी तरफ और उससे माफ़ी मांगो तो ये देखें जो अब ये आयत जो हम दो आयत जो जिसका मैंने तर्जुमा पढ़ा ना इसको थोड़ा सा आप दिल खोल के पढ़ें दिल खोल मतलब समझ के दरीजे खोल दें बादशाही का मालिक कौन है मालिकल मुल्क यानी बादशाही असल मालिक कौन है बादशाही का मालिक अल्लाह है खुल्ला मालिकल मुल्क मैंने आप गौरस किया मैं थोड़ा सा रुक के दोबारा यानी देखें हम में से अक्सरियत ने गैर के आगे सर झुकाया हुआ उसकी वजह यह है कि गैर में हमें ताकत मालूम होती है रुपया है पैसा है आप उस पर कंजूस बने बैठे हैं मिसाल के तौर पर अपनी माल जान को अल्लाह की राह में नहीं खपा रहे उसकी वजह यह है कि दुनिया की ज़िंदगी पर आपने जाहिर पर दुनिया के जाहिर पर आपने धोखा खा लिया है और उसी को आपने कामयाबी और नाकामयाबी का मैार बना लिया है कि दुनिया में कामयाबी होनी चाहिए आखिरत को आपने फरामोश कर दिया है ये सारी साम यानी इस सारे के पीछे एक ख़ास माइंड है वो माइंड हमारा जो माइंड है वो ये है कि कुछ भी नहीं है न मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी है कब्र की ज़िंदगी है हक़ है न दोजख है न जन्नत है न योम हशर है ये एक माइंड सेट है हमारा हम इसको कहते तो नहीं है अब मैं कह रहा हूँ तो आप दिल में सोच रहे होंगे कि ये ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं हमारा तो पक्का यकीन है दो जख पे भी और जन्नत पर भी हालाँकि हमारे अमाल जो है वो सारे दुनिया के लिए हैं हमारा रुख जो है वो ज़ाहिर की तरफ है अब देखें झूठा कौन है हमने तो झूठ हमारी सारी ज़िंदगी तो अगर आप आ, सच सुनना चाहते हैं तो सच ये है कि हमारी सारी ज़िंदगी तो झूठ के सहारे झूठ की बुनियाद पे है अल्लाह अकबर झूठ की बुनियाद पे हमारी ज़िंदगी है और हम झूठे लोग हैं और झूठ सारी ज़िंदगी की इमारत की बुनियाद जो है वो हमारी झूठ पे है लेकिन देखें सच को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बना लें एक अल्लाह से अपना रा बहाल कर लें अल्लाह की यानी अपनी ज़िंदगी की बुनियाद अल्लाह की मोहब्बत की बिना डाले अल्लाह जो कि कादरमुखदर है मालिकुल मुल्क है और इज्जत भी वो देता है आ, बादशाही भी देने वाला वो वो है सूरज को आ, निकालने वाला यानी रात की अंधेरी लाने वाला रात दिन दिन की रोशनी लाने वाला और मर्दे से जिंदा और ज़िंदा से मुर्दा पैदा करने वाला और बेहिस रिस्क देने वाला ये एक साथ है वह तर्ज कुमन तशा ब गैर हिसाब दे, ये देखें ये दो आयतें जो है ना मैंने आपको कहा ज़रा जहन की खिड़कियाँ खोल लें हम हमारी ज़िंदगी की बुनियाद तो गैरुल्ला गैर अल्लाह से की वजह से है <coughs> गैर अल्लाह के माँ सेवा तो ये बात तो सच नहीं है ये तो झूठ है यानी गैर अल्लाह में हम ताकत देखते हैं यानी चालीस तोले सोना पे ज़्यादा यकीन है हमें और अल्लाह पे यकीन नहीं है आज 2020 मार्च का महीना है 25 तारीख है आज मुल्क में सारी दुनिया में कोरोना वायरस एक जरासीम है उससे लोग परेशान हैं खौफज़दा हैं लाखों लोग जो हैं उसके बीमार हैं और हज़ारों लोग जो हैं मर गए उसकी वजह से तो अब एक जरासीम जो नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसके मज़ाहिर जो हैं वो आपके सामने हैं कि लोग बीमार हो रहे हैं और मर रहे हैं उस पर तो आपका यकीन आ गया अब उनका यानी उसकी वैक्सीन नहीं है और हमें कहा जा रहा है कि भाई जब तक वैक्सीन नहीं है तुम एहतियात करो लॉकडाउन हो रहा है आजकल हो सकता है ये मजमून जब हो यानी बीस साल बाद कोई सुने तो उसको समझ में ना आए लेकिन उसको देख देख लेना चाहिए आ, तारीख को तारीख़ के वर्क़ को उठा के देख ले लेकिन इस वक्त तो ये सूरत हाल है लॉकडाउन है लोग घरों में बंद हैं कारोबार बंद हैं आ, जो प्लाजे हैं बड़े 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 रेस्तोरान हैं होटल हैं ये सब बंद हैं और हमें कहा जा रहा है घरों में वो आयशत मुल्क की ख़राब हो रही है लेकिन फिर भी हुकूमत कह रही है कि ये उससे अच्छा है कि तुम लोग मर जाओ तो उससे अच्छा है कि तुम घरों में बंद हो जाओ तो एक जरासीम पे तो आपका यकीन आ गया कि उसकी निशानियाँ आपने देख ली इटली इस वक्त सबसे ज़्यादा मुतासर है हज़ारों लोग वहाँ मर गए हैं और आ, बहुत से लोग बीमार हैं तो इटली में जो है बस वो एक हु का आलम है सब लोग अपने अपने घरों में बंद हैं लॉकडाउन है ईरान में इसी तरह है तो तो ऐसी बात तो नहीं है यानी देखें अल्लाह हम जब नाम लेते ना अल्लाह का तो उसके मज़ाहिर तो हमारे हम ख़ुद उसका एक मजहर है इंसान खुद अल्लाह ताला की सबसे बड़ी निशानी है फिर अल्लाह ताला के माहिर ये नहीं देखें यकीनी की बात तो है ना मजमून तो यह है कि आप अल्लाह पर यकीन कर लें कि अल्लाह है और अपनी सारी कुदरत और ताकत तो उसके हाथ में है सारी क़वत तो उसके हाथ में है ख़ज़ानों के बनाने वाला तो वो है <laughs> मिट्टी को सोने चांदी में बदलने वाली तो वही सात है और बादशाही का मालिक तो वो है बादशाह होता है फिरौन था तो उससे अल्लाह ताला ने वो बादशाही छीन ली कि नहीं छीनी ये तो एक बड़ा वाक़ है ना फिरौन से बादशाही अल्लाह ताला ने छीन ली वो बड़ा बन बैठा इन फिरौन आला फिल अर् जुल्म करता था अल्लाह ने मूसा को की शक्ल में एक अपना बंदा भिजवाया तो ंजाम कार क्या हुआ कि वो अब भी फ़िरौन उसकी लाश जो है दीदा या याबरत है तो देखें अल्लाह की जात है एक जरासीम के कुछ मज़ाहिर आपको मालूम हो गए आप उस जरासीम से डरने डरने लगे बार बार हाथ धो रहे और सफाई का ख्याल रख रहे लॉकडाउन हो गया है घर में आप महदूद हो गए डर रहे कि कहीं मुझे ना हो जाए मौत का खौफ है आपको ये देखें सारी बात यकीन की होती है हमें यकीन नहीं है किसी चीज़ पर जो हमें नज़र नहीं आ रही हमें यकीन नहीं है यानी ये हमारी देखें अब चीन है चीन रूस है चीन तो ये दोनों इनका जो है फ़लसफा कि आसमान में ख़ुदा नहीं है और ज़मीन में कोई मजहब नहीं है कोई दिन हो नहीं सकता आसमान में खुदा नहीं है चीन जितने मजालिम ढा रहे हैं हमारे मुसलमान भाइयों पे क़ुरान पे पाबंदी है दाढ़ी रखने पे पाबंदी है रोज़ा रखने पे पाबंदी है इस वक्त और जो बेचारे मुसलमान हैं वहाँ एक बहुत बड़ी जेल में लाखों मुसलमानों को उसने क़ैद कर दिया है उसको तरबियत गाह का दे रहे हैं वहाँ गैर इस्लामी अफ़ाल जो है उनकी यानी जहन बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग इस्लाम से बाज आ जाए और एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है इसी तरह यानी रूस और चीन को तो एक तरफ़ रखें यूरोप है ये सारी जो दुनिया है ये हकीक़त में मजहब पर यकीन नहीं रखती चाहे वो ईसाई हो यहूदी हो मजहब अल्लाह को यानी मालिकल मुल्क नहीं मानती देखें यहूदी अगर अल्लाह को मानते तो रसोल पाक सल्लम पर ईमान ले आते ना मूसा सलम को उन्होंने तकलीफ़ी दी यहूदियों ईसाइयों ने।, ने जो है ईसी को ख़ुदा का बेटा बना लिया वो अल्लाह को दर हकीकत ये असल में आपके दिमाग में जो ख़राबी आती है वो अल्लाह पर आपका यकीन नहीं होता अल्लाह की ताकत पर यकीन नहीं होता तो ये दो आयात जो हम पढ़ रहे हैं तो सामने इक्राम तो इसमें तो मज़मून यह है कि मालिकल मुल्क वो है बादशाही का मालिक वो है जिसे चाहता है तो तिलमुल का मंत बादशाही देता है जिसे चाहता है और छीन लेता है बादशाही जिससे चाहता है आप देख ला यानी देखा इस्लाम आया रोम और यानी जो शाम और रोम ये बड़ी बड़ी वो थी दो बड़ी बड़ी सल्तनतें थी तो वो अल्लाह ताला ने उनसे बादशाही छीन ली कैसर किसरा ख़त्म हो गया जो बड़ी बादशाहियाँ थी वो अल्लाह के बंदों को अल्लाह ताला ने उनसे हुकूमत छीन के अपने बंदों को दे दी किसरा के दरबार का एक कीमती कालीन था वो माले गनीमत में आया हज़रत उमर हज़रतमर रज़ील्ल्ला ने उसके यानी टुकड़े टुकड़े करके बांट दिए माल गनीमत के तौर पर बहुत कीमती कालीन था लेकिन हमारे लिए क्या कीमत थी उसकी <laughs> वो उसके टुकड़े टुकड़े करके उनका कोई महल थोड़ी था ताज़ा तुम्हार का जो बिछा लेते बहरहाल देखें ये आयत जो है ये मेरे लिए आपके लिए हम कायल नहीं हैं अल्लाह ताला की ताकत और कुदरत और उसके वजूद के उसके वजूद के भी कायल नहीं हैं वजूद के कायल होते तो उसकी शान को मानते ये अल्फाज मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा इस पर गौर करें अल्लाह ताला अगर आप उसको मौजूद मानते तो आपको उसके वजूद का एहसास तो होता लेकिन हमें उसके वजूद का एहसास भी नहीं है हम देखें आम तौर पे यानी इसके लिए कोई ख़ास दलाइल की ज़रूरत नहीं है ये मीडिया है जो शर्मनाक तरीके से बेहयाई और बेशर्मी फैला रहा है इसको अल्लाह के वजूद का एहसास है ये औरतें जो खुलेआम आ रही हैं टी वी पर आ रही हैं अपने ये जो स्टेज ड्रामे हो रहे हैं हर टी वी पर एक मुजरा एक वो पहले तो वो चंद वो होते हैं ना यानी मीरासी जो है आ, महदूद थे अब हर टी वी पर जो है मीरासी आ गए झूठ बोल बोल के लोगों को हंसाते हैं और नखरे पेश करते हैं कभी आ, क्या होता है मैं उसकी तफसील में नहीं जाता लेकिन सारा मीडिया जो है वो अल्लाह के वजूद से इनकारी है अल्लाह की ताकत से इनकारी है अल्लाह की यानी अल्लाह को मानता नहीं है कि वो हाकिम है उसके हुक्म का हमें पास करना चाहिए इन लजीन न यु हिब्बू नाशत लहुम आजाब उन फिर दुनिया वाला खाना ऐसी आयत है जो लोग बेहि Uh, को फैलाना चाहते हैं उन पर दुनिया और आखिरत में आजाब है ओका मकाल ऐसी आयत है तो ये तो बेहयाई बरहंगी ये आप देख लें हमारे यानी मुल्क के जो हैं मीडिया मैं कह रहा हूँ बाहर की तो बात ही क्या है आपके जो मीडिया हाउसेस हैं इसमें मकसदियत नाम की कोई चीज़ नहीं है अगर है तो अल्लाह की नाफरमानी बुनियाद है बे और अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पे ये मीडिया उसकी वजह यह है कि उनका सौदा जो बिकता है वो बेचते हैं और हम सब अखलाक बाख्ता हो चुके हैं बेमकस जिंदगी गुजार रहे हैं और बेहयाई इसको हम पसंद करते हैं तो वो वही पेश कर रहे अजीब कोई सूरत हाल है लेकिन देखें ये आयत जो है इस पर मुझे और आपको गौर करना होगा कि ये क्यों बयान हो रही हैं सारा मज़मून देखें असल चीज़ जो है वो तोहीद है तमाम नेकियों की जड़ जो है वो तोहीद है मज़मून जारी है अभी मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए तो बिस्मिल्लर उ तिलमल का मंत وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل

तुम कह दो ए लोगो तुम कह दो कि ए अल्लाह बादशाह ही के मालिक तो तिल मन तशाओ जिसे तू चाहता है सल्तनत देता है व तंज़ मुल्क मम मन तशाओ और जिससे चाहता है सल्तनत छीन लेता है व तो इज़्ज़ मन तशाओ व तो मन जिसे तू चाहता है इज्जत देता है जिसे तू चाहे जलील करता है बेयदिकल खैर तमाम खूबियाँ तेरे हाथ में हैं, है इन कालाकुल्लिश उनदीर बेशक आप हर चीज पर कादिर हैं तू लेजुल अफिल् नहार तू रात को दिन में दाखिल करता है व लिजु नहार लिजुलनाहार अफिल्ल और दिन को रात में दाखिल करता है व तुख रिजुल्हिनलमय थे और जिंदा को मुर्दा से निकालता है तुख रिजुलमय और मुर्दा को जिंदा से निकालता है व तर्ज मन तशाओ बगैर हिसाब और जिसे तू चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है अब इनायत की तिलावत और तर्जुमा जी

وتنزع الملك وتنزع الملك من من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن ए ए बादशाही के मालिक तू जिसको चाहे बादशाही बख्शे और जिससे चाहे बादशाही छीन दे और जिसको चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे हर तरह की भलाई तेरे ही हाथ है और बेशक तू हर चीज पर कादिर है

तू ही बेजान से जानदार पैदा करता है और तू ही जानदार से बेजान पैदा करता है और तू ही जिसको चाहता है बेशुमार रिस्क बख्शता है सामान कराम इसके साथ आज के दर्स का वक्त अख्ताम को पहुँचा अगले दर्स में इन शाह मुलाकात होगी व आखिर दावाना अनिलहमदिल्ला रबालमी مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم